जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छत पर लगी ये जालीनुमा आकृति आखिर ये क्या करती है और चोरी से बचने के लिए रेलवे ने अपने पंखों को 110 वोल्ट क्यों कर दिया और ट्रेन का जो एसी होता है ये कितने टन का होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है और ये इसके नीचे इस तरह से सिलिंड्रिकल ड्रम क्यों लगाए रहते हैं। कोच के बाहर यहाँ लिखा रहता है साइड फिलिंग, इसका मतलब क्या होता है और यहाँ लिफ्ट हियर क्यों लिखा जाता है। रेलवे अपने ट्रेनों में से इस तरह के स्क्रू कपलिंग को हटाकर सीबीसी कपलिंग को क्यों करना चाह रहा है और ट्रेन के अंदर लगे इस लाइट्स का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं। साथ ही रेलवे अपने टॉयलेट को जो सीडीटीएस टॉयलेट थे इसको हटाकर ये अभी कन्वर्ट करने जा रहा है बायो टॉयलेट में। रेलवे अपने आधुनिक ट्रेनों से इस साइड बूफर को क्यों हटा दिया और ये क्या करते थे साइड बूफर, अब नए ट्रेनों में ये साइड बूफर को क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आप देखे होंगे किसी ट्रेन के साइड में यहाँ पीले रंग की पट्टी बनाई गई है, जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पट्टी नहीं बनाई गई है। किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग ये क्यों खींची गई रहती है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रेन में सफर के दौरान आप ट्रेन के छत पर इस तरह एक जाली नुमा आकृति देखे होंगे, इसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। आपको पता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है, जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है और यह गर्म हवा ट्रेन के ऊपर जाती है, जिस वजह से इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिया जाता है और इसको ऊपर की ओर, ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिया जाता है और उसको केवल इस तरह से ढक दिया जाता है कि बारिश के दौरान डायरेक्ट पानी अंदर ना आए, तो इसे हम लोग रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं। आप एक और चीज देखे होंगे कि ट्रेन के पंखे या बल्ब आपके घर में बिजली से नहीं चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले लोग ट्रेन की लाइट पंखे चोरी करके लेके चले जाते थे, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने कहा कि लोगों को घर में या तो 220 वोल्ट की एसी करंट रहती है और लाइट कट जाती है तो लोग डीसी चलाते हैं, तो डीसी अमूमन 12 वोल्ट का रहता है, मीडियम लेवल की कोई भी मशीन 24 वोल्ट की बड़ी चीजें रहती हैं और 5 वोल्ट के छोटे छोटे खिलौने वगैरह रहते हैं। यानी रेलवे समझ गई कि एसी अगर घर में चाहिए तो 220 वोल्ट और डीसी चाहिए तो 24 या 12 चाहिए, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने अपने पंखे तथा बत्ती को 110 वोल्ट डीसी दे दिया। अब किसी के घर में 110 वोल्ट डीसी रहता ही नहीं है, अब क्या करिएगा ले जाके, ये तो ये आपके लिए एकदम बेकार हो गया, इससे रेलवे की सामानों की चोरी रुक गई। ये 110 वोल्ट डीसी कहां से आता है, तो ट्रेन के नीचे लगे इस बैटरी बॉक्स से आता है। आप ट्रेन के नीचे देखे होंगे इस तरह से एक बैटरी बॉक्स लगी रहती है, इसी बैटरी बॉक्स से आता है। और आप गौर किए होंगे कि ट्रेन के जितने चार्जर वगैरह होते हैं ना, सूर्य आधे से ज़्यादा तो जले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। यानी अगर आप वोल्टेज को कम करिएगा तो धारा यानी करेंट बढ़ जाएगा। अब ट्रेन में 110 वोल्ट रहता है और घर में 220 वोल्ट, यानी ट्रेन का वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है, इस वजह से तार के जलने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ट्रेनों में लिखा रहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल इत्यादि को चार्ज में न लगाएं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि चार्ज में लगाकर अगर आप सो गए हैं तो ज़्यादा देर तक उसमें सप्लाई रहेगी तो बहुत ज़्यादा धारा जाने से उसमें आग लग सकता है। कोच के अंदर की बैटरी को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं, ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, येलो चार्जिंग मोड में रहती है, और अगर रेड जलने लगा है तो समझ जाइएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ट्रेन कोच का जो बैटरी होता है वो डीसी देता है और ये जो डीसी होते हैं ये कम वोल्टेज पे दिए जाते हैं, लगभग 110 वोल्ट पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी वोल्टेज कम रहता है